दाता नहीं कहा उनको, दाता शिरोमणि कहा, सबसे बड़ा दाता है, जिससे ऊंचा दर्जा का दाता नहीं हो सकता। अरे कैसा है, क्या दिया था उन्होंने रुपया पैसा ऐसा दे दिया था आदमी लोग? नहीं नहीं, रुपया भी नहीं दिया, जेवर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, क्या दिया? लेकिन सोचिए दाता किसको कहा जाता, कोई पैसा दे दे, कोई रुपया दे दे, उसको दाता कहा जाएगा? तो नहीं, अगर सोना दे दे तो उसको भी दाता नहीं कहा जाएगा। किसको दाता शिरोमणि किसको कहा जाएगा? जो मनी मालिक को आगे ऐसा सबको को दे दे, ले जितना आदमी है मनी मालिक को तुम लोग को दे देगा, बेफिक्र रहो, इसलिए कुछ देना नहीं पड़ेगा, इन रिटर्न हम दे देता है मनी मालिक को तुम लोग को दे देता है। उसको कहा जाता है दाता शिरोमणि। क्यों? जो चीज आदमी को मिलना मुश्किल है, अगर वही चीज को अकाशर में बिली कर दे तो उसको दाता शिरोमणि कहा जाए। ये दुनिया में भोग संपत्ति, खाना पीना मौज करना, दुनियादारी का जितना चीज है ये तो मिल सकता है, दे सकता है। भोग दुनियालों का अगर पूजा करे, पूजन करे, कोई मांगे तो दे सकता है, लेकिन भगवत प्रेम ये कोई नहीं दे दे सकता है, ये भगवान छोड़ करके, क्योंकि भगवान का अपना संपद है, वो दे सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु दाता शिरोमणि किसे है? न भगवत प्रेम प्रदान किया है, कृष्ण प्रेम प्रदान, दुनिया में ऐसी कोई नहीं दे सकता है, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, इसलिए उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण विषय में, भगवान कृष्ण में जो चैतन्य प्रदान किया है, जीव भगवान को नहीं जानता, भगवान को पूजन भजन नहीं करता, लेकिन उन्होंने जन्म लेकर के दुनिया को ऐसा पागल कर दिया कृष्ण नाम में, इसमें कृष्ण विषय में चैतन्य होता है। तो ये कृष्ण को किस तरीका से मिल सकता है? होने वाले अवतार पास मिल जाए, जैसा ये क्षेत्रीय भक्ति छोड़ करके भगवान को मिलना एकमात्र भक्ति से होगा। अरे हम लोग का भक्ति कैसा है? भगवान को बहुत भक्ति करता है। अरे क्या भक्ति करता है? भक्ति को तीन भाग से भाग दीजिए, तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति। हम उसको भाग दिखाते हैं। देखिए डाकू चोर जो है वो सब चोरी करने के लिए जाता है, डाकाती करने के लिए जाता है, तो भगवान को पूजा देकर के जाते हैं, माई को पूजा देकर के जाते हैं। देखो आज जो घर में हम डाकाती करने के लिए जाता ना, ये हमारा सफल हो जाए तो तुमको फिर पूजा देगा, वो दस दबे प्रणाम करता है और पूजन करता है, ये भी भक्ति है, लेकिन ये भक्ति को सामाजिक भक्ति कहा जाए। और एक आदमी आया है यहाँ ठाकुर जी का, यहाँ मंदिर में आया, बहुत जबर उबर पड़ करके भरी है, विश्वास है हाथ में, प्रणाम करता है, 100 रुपया का नोट फेंक दिया, ले पुजारी जी 100 रुपया ले लो, नोट ले लो, बोलो भगवान को बोलो हमारा काम सिद्धि हो जाए। क्या बात है बाबू जी? अरे हम MLA होने के लिए खड़ा हुआ है, ये साल में अगर हम MLA हो जाए तो बहुत अच्छा है, भगवान को 100 रुपया दे देता है, लो 10 दबे माता उसको चीन आता है वहां। किसको कहा जाता है राजसिक भक्ति? और सात्विक भक्ति किसको कहा जाता है? अरे बहुत दुख है दुनिया में, ये दुख नहीं रहे, ये भगवान तुम हमारा दुख को हरा दो, इसलिए जो भक्ति करता है इसको करता है सात्विक भक्ति। ये तीनों भक्ति से भगवान को नहीं मिलता, ये जो भक्ति करने वाला आदमी है ये किसी का भगवान को नहीं मिलेगा। कौन भक्ति से मिलेगा? शुद्ध भक्ति से मिलेगा, शुद्ध भक्ति से मिलेगा। ये भक्ति में कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं। तुलसीदास ने गोसाई जी ने कहा, अरे भक्ति बात क्या, भक्ति का बात क्या पूछते हो तुम, दुनिया में भक्ति करके एक बात है लेकिन है कहां पर? गोसाई जी ने कहा जे, तीन बात से लट पड़ रहे दामड़ी चामड़ी और से, तुलसी कहे यह संसार में कहां से भक्ति भेद, तीन बात से लट पड़ रहे दामड़ी चामड़ी और से। ये जितना भक्ति देखिए दामड़ी के लिए, रुपया के लिए, रुपया गया भगवान 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल दो, मिल दो तुम काम, 2,000 फेंक देगा जाओ, घूस देगा 2,000 तुम जाओ, भगवान को घूस देता है, जब 2,000 देकर अगर 10,000 मिल जाए तो हमने 2,000 देने के लिए क्या वसूला, जाओ। तो दामड़ी और चामड़ी मर्दाना औरत के लिए, औरत मोरा मर्दाना के लिए भगवान को पूजन करता है, जाओ चामड़ा का और पेट, ये पेट जो है एक गड्ढा में घुसाता है, एक गड्ढा में उसको आगम करता है, एक गड्ढा घुस जाता है, यही काम भगवान का भजन कौन करता है? तो ये दुनिया का हालत है। तो इसे चैतन्य महाप्रभु
वो साक्षात भगवान है, लेकिन भक्त भाव लेकर के दुनिया को बताया अरे संसार में भोग है, ये भोग को थोड़ा छोड़ करके जो जहां पर है तुम भगवान को भजन करो, भक्ति से भजन करो। ये भजन किस तरीके से होगा, भगवान को नाम रटन करते रहो, करते करते ये नाम से भगवान को मिलेगा। संसार कर अभी आज का विषय वस्तु जो है श्री चैतन्य भी अवसर उसके बाद शंकर महाराज के बारे में बहुत आप लोग को कहा है, उनको इस तरह प्रसाद लेकर के मैं श्रीमद महाप्रभु जी प्रकट को कहा कि अष्टावन का चतुर्थ का द्वापर का अंतन कर्ण भगवान ब्रजनंदन कृष्ण एक जाति के ब्रह्मांड में प्रकट होती है। अनंत उनका ब्रह्मांड है, वह ब्रह्मांड वाला चक्र वाद उनका लीला चलते हैं तो कर्ण भगवान ब्रजनंदन हरि श्याम सुंदर जी अपना लीला को और ब्रह्मा जी को आज का दिन का अंदर में अष्टावीस अट्ठाईस चतुर्दुर्ग का जो द्वापर आया चतुर्दुर्ग में द्वापर आया वही द्वापर में आपने लीला प्रकट किया और वही लीला के बाद जो कलयुग आती है वही कलयुग में श्याम सुंदर राधा भाव कांति लेकर प्रकट होती है। लीला दो दूसरी का पूर्वार्ध उत्तरार्ध जो लीला को शुरू हुआ है ब्रज में द्वापर द्वापर युग में ब्रज में वहां का परिसमाप्ति कलयुग में नवद्वीप मायापुर में एक दोनों लीला को लेकर लीला को पूरी परिसमाप्ति है। एक तो है पूर्वार्ध दूसरा है उत्तरार्ध पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिला के लीला को पूछता भगवान गोपीकर के बारे में उन्होंने प्रकट किए थे क्यों उसके बारे में एक श्लोक कहते हैं अनर्पित चरिंग चलोजल प्रियम हरि पुरद सुंदर ज्योति कदम वसंगीत सूर तून सचिन कैसे अनर्पित चरिंग चिराज तुरने आवतीर्ण करो अनर्पित वस्तु दान करने के लिए जो वस्तु कभी अर्पित नहीं होता उसको अनर्पित कहा जाता है। कभी दिया हुआ नहीं पुरुषों को अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन का अंदर में चार युग में ब्रह्मा जी का एक दिव्य युग होता है ऐसा हजारों दिव्य युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसका अंदर एक दफे वही भव्य प्रेम वही अनर्पित वस्तु वही राधा राधा की जरूरत हुई जो मुझे मंदिर बाप के प्रेम प्रेम भक्ति के लिए कभी आते तो अनर्पित वल्ल के दासपुर भी यही है बहुत दिन से जो दिया हुआ है नहीं बिहार अनर्पित करिए विराट अनर्पित करिए करुणयावतीर्ण कलम भगवान के बारे में यह कहते चैतन्य प्रभु के बारे में करुणया अवतीर्ण कलयुग में करुणा में अवतीर्ण हुआ अरे भगवान के सबको अवतारी है करुणा का ज्योतक भारत भगवान जी कहते वापस करना नहीं है करना है विनाश है करना है।